मैं आपका रेंट कम कर सकती हूँ, पर उसके लिए ना आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए ना, हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए मैडम, मैं आपका रेंट कम करूँगी तो उसके बदले मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। आप रेंट दे नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना मुझे एक महीने के लिए अपना पति दे दो। मैडम ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि रेंट के बदले कशिश मुझे आपको शेयर करेगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, आप अगर पति शेयर नहीं कर सकते तो आज की आज और अभी के अभी मेरा रूम खाली कर दो। अरे ऐसे कैसे खाली कर दे, आपने हमें पहले से नोटिस नहीं दिया और एकदम से हम घर कैसे खाली कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है ना कि आप अचानक से कमरा खाली करने के लिए कैसे बोल सकती हो। मैडम ऐसा है ना, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ और आपने किराया भी नहीं दिया है, तो मैं चाहूँ आपका सामान अभी के अभी उठा के फेंक सकती हूँ, क्योंकि मैं मालकिन हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। या तो आप मुझे पैसे दे दीजिए या तो अपना पति, अब आप सोच लो, सामान बाहर फेंक दूँ या आप पति शेयर कर रहे हो। अरे आप नाराज मत होइए, हम आराम से बात करते हैं ना इस बारे में। नहीं नहीं आराम से कहाँ बात कर सकते हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे आप कर लीजिए। ये हुई ना बात, मुझे ना आपके पति से ज्यादा ना आप समझदार लगती हो। देखो किस तरह मेरा रेंट चुका दिया, बहुत समझदार हो, आगे जाके तरक्की करोगी। तो मिस्टर रेंट देने के लिए तैयार हो ना? कशिश ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? रेंट नहीं दोगे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, और कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी कि मेरे अंदर कुछ कमी है, इस वजह से तुम किसी और के साथ वो सब कर रहे हो। यार मैं मैनेज कर लूंगा ना, ओवर टाइम कर लूंगा। बस बस ये राम का था ना अपने घर करना, ठीक है चल खड़ा हो रूम में, चल जाओ। वैसे मैंने कोई गलती तो नहीं करती ना सन्नी को अंदर भेजकर, अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, मैं भी फंस गई हूँ हर जगह से, सन्नी की इतनी सैलरी नहीं कि वो उनको दे सके, अब रेंट भी चुकाना है, अब कैसे ना कैसे कर कर तो चुकाना ही पड़ेगा, नहीं चुकाऊंगी तो घर खाली करने के लिए बोलेंगी। कोई नहीं, एक बार में क्या होता है, मैं जॉब कर लूँगी ना तो दोनों लोग हैंडल कर लेंगे सब चीज़ें, अभी तो करना पड़ेगा बर्दाश्त थोड़ा सा। वैसे मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, क्या चाल चली है कशिश को, ऐसे तो कभी हम पे शक भी नहीं होगा, और आपका किराया भी वसूल होता रहेगा और मैं आपके पास हमेशा बना रहूंगा। अरे सन्नी दिमाग की मेरी दाँत नहीं, दिमाग की तेरी दाँत देनी चाहिए। देख तूने अपनी बीवी को कैसे बेवकूफ बनाया। मैडम जी मेरे पास किराया नहीं है, सैलरी बहुत कम है, किराया माफ कर दो। और वो बेचारी बेवकूफ बन गई, डर के मारे अपना पति मुझे सौंप दिया। अब तो हमारे बारे न्यारे हो गए, देख अब तो हमें छुप छुप के मिलने की भी जरूरत नहीं है, अब तो हम खुले हम मिलेंगे, कह देंगे तू किराया नहीं दे रही तो अपना पति दे दे, और इस बहाने हम दोनों का प्यार परवान चढ़ जाएगा। देख देख अब बेचारी बाहर बैठ के ना आंसू बहा रही होगी, मेरा पति कुर्बानी दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है रेंट के लिए हमारे लिए, लेकिन उसे क्या पता बेवकूफ को कि हम दोनों की ये तो चाल थी। अब देख अगर ज़्यादा हम छुप छुप के मिलते तो एक ना दिन उसे शक हो जाता तुझ पे, और फिर वो यहाँ से तुझे रूम खाली करा के कहीं दूर ले जाती। ये आइडिया सिर्फ तेरा ही था, तूने मुझे बोला कि मैं रेंट नहीं दूंगा, तुम ये शर्त रखना, और हमारा प्लान सक्सेस हो गया। सही कहा आपने, मुझे कशिश ने कई बार बोला था कि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, मकान मालिक हमसे बहुत ज़्यादा किराया ले रही है, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, सोचा कि करूँ क्या, तब मुझे ये आइडिया आया, इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये सब तरकीबें करें कैसे कैसे हम साथ रह सकें, तभी मैंने आपसे कहा था, और अब देखिए हमारा आइडिया काम कर गया। देखो अब ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम दोनों अपना काम करते हैं फिर बाहर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी मैडम बैठी है ना बाहर मुँह उदास लेके, और सुनो जब बाहर जाओगे ना अपना ये बेचारा सा मुँह लेके जाना, ताकि उसको लगे तुम्हारी इज्जत लुट गई। तो काम शुरू करें चलो। कशिश हाँ तुम्हारे कहने से किया ये सब मैंने, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, अब चलो यहाँ से। ठीक है ना, कभी कभी मजबूरी के आगे कभी झुकना भी पड़ता है,
और कभी कभी ना किसी की बात समझा करो। हमारे पास नहीं थे रेंट देने के लिए पैसे, और अगर तुम्हारे पास होते ना तो दे देते, इतना सब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। ठीक है दीदी। कोई बात नहीं, इतना नाराज मत हो, उसने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया है और तुम उसी पे गुस्सा करो। सुनो, अगर नेक्स्ट मंथ भी किराया ना हो ना तो कोई बात नहीं बेटा, पति भेज देना, मैं वसूल कर लूँगी। नहीं नहीं, ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी, मैं जॉब कर लूँगी। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, चलो तुम मेरे साथ।